हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज पेपर में एक न्यूज़ आया हुआ था कि दरोगा झारखंड नियुक्ति वाला, झारखंड में जो दरोगा नियुक्ति है उसका वैकेंसी जल्दी आने वाला है। तो सबसे पहले इसमें है कि कितना वैकेंसी आएगा, तो 946 वैकेंसी पेपर में दिया हुआ है, 946। इसमें से होगा कि जैसा कि पेपर में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से है कि 3,134 पद स्वीकृत है, 3,134 पद, लेकिन यह स्वीकृत है, ठीक है, लेकिन अवेलेबल कितना है, इसमें मात्र 30% खाली है, 30% खाली है। तो जो खाली है उसमें से वैकेंसी आने वाला है, टोटल 946 वैकेंसी है। और अगर हम इसको बांटें तो सबसे पहले देखिए ये 596 जो आएगा और उसके बाद 350 इसमें बैकलॉग रहेगा, तो टोटल हो गया आपका 946। तो इसमें से अगर हम 596 में देखें तो अनारक्षित में 239 है, एससी का इसमें 60 है, एसटी का 155 है, ओबीसी 1 का 47 है, ओबीसी 2 का 36 है और ईडब्ल्यूएस का 59 सीट रहेगा। और जो बैकलॉग है, राज्य सरकार सरकार जो बैकलॉग वैकेंसी निकालती है उसमें से रहता है कि विशेष मतलब यूआर और ईडब्ल्यूएस का उन लोगों का सीट नहीं रहता, ये बैकलॉग वैकेंसी। जैसे एससी का इसमें 44 रहेगा 350 में, एसटी का 278 और ओबीसी 1 का 28। इसमें से होगा क्या कि ये 350 जो वैकेंसी होगा पोस्ट, इसमें से यूआर नहीं भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी नहीं भर सकते हैं। इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो एससी होंगे वो भी 44 सीट के लिए, एसटी होंगे 278 सीट के लिए, ओबीसी 1 में 28। तो जो 596 होगा ये ओपन होगा, सबके लिए होगा, 239 अनारक्षित यूआर के लिए होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 59 होगा। राज्य सरकार इस बार जो नियम बना रही है, तो ये नियम के अनुसार क्या होगा कि इस बार पहले दौड़ होगा और फिर परीक्षा होगा। पहले नियम था कि एग्जाम होगा फिर दौड़ होगा ये, लेकिन अब है कि अगर आप दौड़ में एलिजिबल कर रहे हैं तो फिर आप एग्जाम में एलिजिबल होइए। तो उस तरह, तो सबसे पहले यहाँ पे एक सजेशन रहेगा कि आप लोग फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दौड़ धूप लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब भी जरूरी है, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा फिटनेस वाला ही जॉब है। इसमें अगला है कि इसमें 5% जो टोटल सीट रहेगा तो महिलाओं के लिए 5% आरक्षित रहेगा। ये मतलब टोटल जो जितना वैकेंसी आती है उसमें 5% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और 2% होगा वो खेलकूद वालों के लिए आरक्षण रहेगा। मान लीजिए आप किसी खेल में आपके पास सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेट किए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है कि मैंने फलाना ढिमका खेल में या किसी में बहुत सारे खेल हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा तो आपको 2% आरक्षण उसमें मिलेगा। इसमें से बोला जा रहा है कि 946 नियुक्ति होगी, इसके अलावा सार्जेंट प्रारक्ष अवर निरीक्षक के खाली पड़े 29 पदों पर पी वाली होगी, एक सार्जेंट पद जो होगा 29 सार्जेंट पद उस पर भी वाली होगी। इस पे भी बहाली होगी, ठीक है। ऐसा कि आज जो न्यूज है, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, इस सब में ये न्यूज आया हुआ है। और हेमंत सरकार ने नियुक्ति का फॉर्मूला बदला है, पहले दौड़ होगा फिर लिखित परीक्षा होगा। इसमें से है कि दरअसल शिबू सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस बहाली में दौड़ को प्राथमिकता दी जाती थी, तो पहले ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन जब रघुवर सरकार ने
नियम को बदला और पहले लिखित होने लगा, उसके बाद दौड़ होने लगा। लेकिन अब इस सरकार ने यह फैसला किया कि पहले दौड़ होगा उसके बाद लिखित होगा एग्जाम। ठीक है, ये न्यूज अभी आई है। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को अधियाचना भेजी है, 4 साल बाद ये वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी कीजिए, धीरे धीरे प्रिपरेशन कीजिए, फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए। उसके बाद जो बुक लिस्ट है वगैरह है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है।